हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं साउदर्न प्लेट्यूज़ के बारे में। साउथ के जो पठार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये एक्टिविटी बताई गई है कि आपने ये बताना है, ये तीनों जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके नाम बताने हैं। और ये तीनों जो हैं ये साउथ साइड से बिलोंग करते हैं, उस एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं। तो इनके नाम बताने हैं। फर्स्ट तो बॉलर है आर अश्विन, सेकंड ये सिंगर हैं ए आर रहमान, और थर्ड है कमल हसन, साउथ के एक्टर हैं जो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द वास्ट साउदर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया। दिस एरिया इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। इट इज़ बाउंड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड बाय द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। साउथ के नॉर्दर्न प्लेस से लेके उस साइड पे क्या है, साउदर्न के पठार हैं हमारे इंडिया के, और ये एरिया जो है ये ट्राइंगुलर शेप में है। इसमें वेस्टर्न घाट है वेस्ट में और ईस्टर्न घाट है ईस्ट में। इट इज़ बाउंड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड बाय द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। इसके एक तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ वेस्ट में और राजमहल पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्ट में। साउदर्न प्लेट्यू रीजन इज़ डिवाइडेड इंटू टू अनइक्वल पार्ट्स बाय द नर्मदा वैली, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। टू द नॉर्थ इज़ द सेंट्रल हाईलैंड एंड टू द साउथ इज़ द डेक्कन प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू जो है वो दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, नर्मदा वैली जिसे सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं, और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के जो पठार हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड फर्दर डिवाइडेड है टू में, उसमें दो पठार आते हैं, एक है मालवा प्लेट्यू और दूसरा कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू देखो क्या है, मालवा प्लेट्यू लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या हिल्स। मालवा प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, अरावली की पहाड़ियाँ और विंध्या हिल्स के बीच में है। ठीक है, ये पिक्चर में आपको जो दिखाई दे रहा है ना पीछे ऊंचा सा पठार, मतलब पहाड़ का थोड़ा सा, ये पहाड़ की तरह नहीं होता, पहाड़ से थोड़ा कम होता है। ठीक है, उससे उतना ऊंचा नहीं होता, उससे कम होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पठार। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल आर सम इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ दिस रीजन। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, और ग्वालियर, इंदौर और भोपाल इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। इसकी जो ढलान है, स्लोप्स जो हैं वो नॉर्थ साइड की तरफ हैं, इसीलिए बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो क्या है, इसको ज्वाइन करती हैं गंगा और जमुना को। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ गंगा और जमुना को ज्वाइन कर लेती हैं आगे जाके। जहाँ की जो मिट्टी है मालवा प्लेट्यू की वो ब्लैक है और क्वाइट फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। ठीक है, कॉटन और ऑयल सीड जो है यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं इस एरिया की। छोटा नागपुर प्लेट्यू, अब छोटा नागपुर देखो, अदर प्लेट्यू इज द सेंटर हाईलैंड इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में है। इट इंक्लूड्स मच ऑफ, ये झारखंड और उड़ीसा के जो कुछ पार्ट हैं, ज़्यादातर झारखंड के हिस्से में है, फिर कुछ उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ के पार्ट में भी आता है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कोल, आयरन, मैग्नीज और माइका। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू देखो, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू में आता है। द डेक्कन प्लेट्यू लाइज अक्रॉस द सतपुरा माउंटेन्स, जो सतपुरा पहाड़ है उसके अक्रॉस में है। इट इज़ टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द नर्मदा, नर्मदा के साउथ साइड में है। इट इज़ बाउंड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, इसके क्या है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं साइड पे, आप देख सकते हैं पिक्चर में ऐसे बताया हुआ है। इस प्लेट्यू से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इनके अलावा और भी छोटी मोटी बहुत सारी हैं। गोदावरी नदी जो है वो त्रिम्बैक जो महाराष्ट्र में है वहाँ से निकलती है, और ये सबसे जो मोस्ट स्केयर्ड रिवर जो है इंडिया की वो मानी जाती है, पवित्र नदी। उसके बाद कावेरी जो है दक्षिण गंगा जिसको बोलते हैं वो कर्नाटक में है। गोदावरी, महानदी और कृष्णा जो कृष्णा एंड कावेरी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हुई फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अब आप मुझे बताओ कि इसका क्या कारण है कि सारी नदियाँ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही बहती हैं। इसका कारण ये है कि दक्कन के जो पठार हैं उसकी ढलान जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए सारी नदियाँ जो हैं उसका बहाव उसकी तरफ ही होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। रिवर इज़ इन द डेक्कन प्लेट्यू आर नॉट फेड बाय मेल्टिंग स्नो लाइक द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो डेक्कन की पहाड़ियाँ नदियाँ हैं उनमें बर्फ़ का पानी नहीं होता, इसीलिए वो सारा साल जो है उनमें पानी भरा नहीं रहता, इसलिए इनको
सीजनल रिवर्स भी बोला जाता है और इसमें बहुत कम पानी रहता है। समर के मंथ में तो बहुत कम पानी हो जाता है क्योंकि ये कभी कभी तो सूख भी जाती हैं, इनमें बर्फ़ का पानी नहीं होता, ये जो बारिश से पानी आता है उसी से ही इनमें पानी आता है। द लैंड इन द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अनइवन एंड देयरफॉर द रिवर्स फॉर्म अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स। इसी के कारण यहाँ पे क्या है, कहता है बहुत सारे वाटरफॉल्स बने हुए हैं। पिक्चर में देख सकते हो वाटरफॉल्स क्या होता है, पहाड़ों के जो पहाड़ हैं उसके कहीं से भी टूटा फूटा पहाड़ होता है, उस पर ऊँचाई से जो पानी नीचे गिरता है उसे वाटरफॉल कहते हैं। तो जोग फॉल है एक जो रिवर शरबती रिवर पर बना हुआ है कर्नाटका में, सबसे ऊँचा वाटरफॉल है इंडिया का। उसके बाद बहुत सारे डैम भी बने हुए हैं इन नदियों पे, जैसे मिट्टोर डैम है वो कावेरी नदी पे है, लार्जेस्ट डैम बोला जाता है, इरीगेशन प्रोजेक्ट है साउथ इंडिया का। और दूसरा फेमस डैम है नागार्जुन सागर डैम, ये बना हुआ है कृष्णा नदी पे। और फिर एक हीराकुंड डैम है, ये महानदी पे बना हुआ है। ये डैम्स जो हैं ये पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो बाद में उनसे क्या किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाए और जो इरीगेशन है सिंचाई के काम लाया जाए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, मिका, सोना वगैरह जो है वो इससे, लोहा, सोना, ये सब मिलता है यहाँ से। दो फेमस जो है गोल्ड माइंस भी है, कोलार गोल्ड माइंस और हुट्टी गोल्ड माइंस है कर्नाटक में। असाइनमेंट है आगे देखो, ट्रू फॉल्स, द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द साउदर्न प्लेट्यू आर रेन फेड, ट्रू है, फर्स्ट वाले ट्रू आएगा। स्लोप ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ट्रू है। जोग फॉल्स आर इन द तमिलनाडु, फॉल्स कर्नाटक में है ये। डेक्कन प्लेट्यू हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड मिका, बिल्कुल ट्रू है ये। सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ट्रू, ये भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट देखो, लाइफ कैसी है जो साउदर्न प्लेट्यू में लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। साउदर्न प्लेट्यू का जो रीवन है वो बहुत ज़्यादा कहता है एरिया कवर करता है, इसका क्लाइमेट, इसकी सॉइल जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरीज करती है, डिफरेंट है। तो रीज़न जो यहाँ का, वहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, और क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट है, नमी बनी रहती है, ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है। सबसे पहले पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, और इसकी कैपिटल है मुंबई। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर है यहाँ पे, मतलब ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, व्यापार वगैरह उसका इम्पॉर्टेंट सेंटर है ये। मुंबई को बिग सिटी भी कहा जाता है, किसके लिए, फिल्म प्रोडक्शन के लिए, मतलब जो फिल्में वगैरह हैं वो यहाँ पर बनती हैं। उसके अलावा पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद और शोलापुर जो हैं वो इसकी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं महाराष्ट्र की। दो मेजर नदियाँ जो जहाँ से बहती हैं वो है गोदावरी और कृष्णा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो महाराष्ट्र में मिलता है, कपास, ठीक है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन इन इंडिया, और दूसरे नंबर पे है गन्ने में, दूसरे नंबर पे है, सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में उगाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट भी है, अंगूर हैं, संतरे हैं, बनानाज हैं, नागपुर का संतरा बहुत फेमस है। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, वो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों वगैरह की, ये फ़ोन वगैरह, ठीक है, इन सब की इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। तमाशा यहाँ का एक डांस ड्रामा है जो बहुत पॉपुलर है स्टेट का, धोती शर्ट पहनते हैं और साथ में टर्बन पहनते हैं यहाँ पे जो मेन है यहाँ के, ट्रेडिशनल ड्रेस है उनका। वुमेन जो है वो साड़ी पहनती हैं। मराठी इनकी मेन लैंग्वेज होती है, दूसरी लैंग्वेज भी बोली जाती हैं जैसे कोंकणी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ये सब भी बोला जाता है यहाँ पे, पर मराठी इनकी मेन लैंग्वेज है। और त्यौहार जो ये लोग मनाते हैं वो है गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस। तमाशा के अलावा लावणी जो है फोक डांस, वो भी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। तो ये हो गया महाराष्ट्र के बारे में। कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र के साउथ में कर्नाटक है, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है और इसे गार्डन सिटी भी बोला जाता है। मैसूर, हुबली, धारवाड सब इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं कर्नाटक की। दो इम्पॉर्टेंट रिवर जो यहाँ पे बहती हैं वो है कृष्णा और कावेरी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, कॉफ़ी, टीक और सैंडलवुड भी जो है वो। बेंगलुरु इज़ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर इन द इंडिया। बेंगलुरु जो है वो क्या है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया का ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो बेंगलुरु में ही सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होते हैं वो यहाँ होते हैं। इम्पॉर्टेंट जो अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जैसे कर्नाटका में वो है एरोप्लेन वाली, घड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है, फिजिकल टीवी, ऐसी चीज़ें। फिर सिल्क जो है वो वहाँ पर बहुत फेमस है वहाँ का। मोस्ट ऑफ द गोल्ड माइन इंडिया कम्स फ्रॉम द कोलार गोल्ड माइन्स, सोना जो ज़्यादातर आता है वो कर्नाटक से आता है। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो बनाई जाती हैं, हाथों से बनाई जाती है, सैंडलवुड वो बहुत फेमस है।
कन्नड़ा इनकी मेन लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश कोंकणी भी बोली जाती है। और ड्रेस में ये पहनते हैं लुंगीज और शर्ट पहनते हैं, और जो होते हैं वो क्या पहनते हैं, साड़ी। दशहरा, उगादी और शिवरात्रि इनका मेन फेस्टिवल त्यौहार है। यहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स हैं, मंदिर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, पुरानी इमारतें भी हैं बहुत सारी ब्यूटीफुल। वृंदावन गार्डन है मैसूर में, और जोग फॉल जो जिसके बारे में पढ़ा, हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, वो यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन केंद्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये लोकेटेड है कर्नाटक के ईस्ट में, इसकी राजधानी है अमरावती। दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी यहाँ पे है वो है विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंतूर और नेलोर। नदियाँ जो यहाँ पे बहती हैं वो है कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल है, और राइस के लिए वो बहुत अच्छी है, इसलिए इस रीजन को, आंध्र प्रदेश को, राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चावल यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, बहुत अच्छी मात्रा के चावल यहाँ पे मिलते हैं। आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू, तंबाकू बहुत पाया जाता है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर बिड्री वर्क ऑन ब्रास एंड कॉपर। पिक्चर में जैसे दिखा रहे हैं ना, इनके ऊपर जो तस्करी करने का काम है, ये कॉपर और ब्रास के ऊपर, तो ये काम भी कहता है वहाँ पे बड़ा फेमस है। आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं। धोती इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, और वुमेन जो है वो साड़ी पहनती हैं। दशहरा, संक्रांति, उगादि, ईद फेमस फेस्टिवल है। कुचिपुड़ी इनका फेमस डांस है आंध्र प्रदेश का, पिक्चर में देख सकते हो आप। रामाकृष्णा बीच, तिरुपति, हॉर्सले हिल्स, अराकू वैली जो है सब इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन केंद्र हैं यहाँ के, हैदराबाद के। नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के नॉर्थ साइड में आ जाता है तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद। इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं हैदराबाद, वारंगल, निज़ामबाद और महबूब नगर। हैदराबाद जो वो इम्पोर्टेंट सेंटर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट सेंटर है ये भी। पीपल जो हैं वो भाषा बोलते हैं तेलुगु, मैन जो हैं वो धोती पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं उसके साथ, और औरतें जो हैं वो साड़ी पहनती हैं। नदियाँ निकलती हैं यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा। फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं वो है विजयदशमी, संक्रांति, ईद और दूसरे जो त्यौहार वगैरह हैं वो भी मनाए जाते हैं। और घूमने फिरने के लिए कौन कौन सी जगह हैं, चार मीनार, गोलकंडा फोर्ट, हुसैन सागर लेक, मक्का मस्जिद और सलजुंग म्यूज़ियम, जहाँ पे ज़्यादा लोग घूमने वगैरह आते हैं। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के साउथ में तमिलनाडु स्टेट है, इसकी कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई भी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर है। सिल्क साड़ी, कांचीपुरम बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये। हैवी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और हैंडलूम जो चीज़ें, हाथों से बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बहुत फेमस है स्टेट में, उसकी वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं इंजीनियरिंग के लेके, टेक्सटाइल्स को लेके। पीपल जो हैं यहाँ के वो तमिल बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, और उनका पहनावा क्या है, मैन जो हैं वो धोती, लुंगी जो भी बोल सकते हो आप, शर्ट और उसके साथ शर्ट पहनते हैं, और औरतें जो हैं वो ज़्यादातर साड़ी पहनती हैं। नदियाँ जो निकलती हैं कावेरी, बेघाए, पॉलर जो है वो यहाँ से स्टेट से निकलती हैं। पोंगल इनका मेन फेस्टिवल है जो कि भी आने वाला है, और भरतनाट्यम जो है वो मोस्ट पॉपुलर डांस है तमिलनाडु का। तमिलनाडु जो है वहाँ पे बहुत फेमस टेंपल्स भी हैं, मदुराई और थंजव्यूर इनका फेमस टेंपल टाउन्स हैं। मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी मेन इसकी कैपिटल है। लार्ज एरिया मध्य प्रदेश जो है वो ज़्यादातर क्या है, फॉरेस्ट से ही कवर, मतलब जंगल बहुत है वहाँ पे, और वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं बहुत सारी, एक है कान्हा और बंधवगढ़। और नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं, तापी है, चंबल है, नर्मदा है, जिनका ओरिजिन भी इसी स्टेट से ही हुआ है। पटना मध्य प्रदेश में जो फेमस है, यहाँ से क्या मिलता है, डायमंड। ठीक है, पन्ना जो मध्य प्रदेश की एक जगह का नाम है, यहाँ से हीरा निकलता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश इज़ वेल डेवलप्ड, यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी अच्छी खासी डेवलप्ड है। छत्तीसगढ़ रायपुर इसकी राजधानी है। लैंड पर्टिकुलरली द महानदी बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल, जो महानदी बेसिन के किनारे, महानदी के किनारे जो नदी है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी उपजाऊ है वहाँ की जो लैंड है। स्टेट में काफ़ी सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे कोल, आयरन और एल्यूमिनियम,
और डायमंड हीरे। बिगेस्ट स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, भिलाई में, और कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। नाउ नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। द जो फॉल्स आर ऑन रिवर, बी पार्ट आएगा शरबती। लार्जेस्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू इज द, तो वो आएगा डेक्कन प्लेट्यू। थर्ड देखो, द ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग, किसके लिए अच्छी होती है, राइस के लिए। साउदर्न प्लेट्यू आर डिवाइडेड इंटू टू अन इक्वल पार्ट्स बाय द नर्मदा रिवर, बी पार्ट। विच ऑफ दीज रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कौन सी नदी है जो ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे बहती है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि सारी नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं। विच ऑफ दीज स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डेक्कन प्लेट्यू, तो कौन सी राजधानी है जो कि कौन सी स्टेट है जो डेक्कन प्लेट्यू में नहीं आती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर झारखंड, तो आंसर आ जाएगा डी, झारखंड जो है वो इसमें नहीं आती। बाकी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से उतार लेना, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।